सामने जो कब्रस्तान है जो ईदगाह कमेटी और जामिया मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात के अंडर में ही आता है, जो चिलगोड़ा कब्रस्तान कहा जाता है, उसमें रास्ता जो पूरा मट्टी से था, तो बारिश के वक्त जो है ना पूरा कीचड़ जमा होता था, मैयत ले जाने में काफ़ी दुश्वारी होती थी। उसको देखते हुए उस पूरे रास्ते को पूरा ईद कब्रस्तान के एंडिंग तक पूरा सीसी रोड से फैसिलिटेट किया गया है। अब पूरा सीसी रोड का रास्ता है जहाँ पे कोई दुश्वारी नहीं होती। इसके अलावा कब्रस्तान के अंदर भी 40 खंभे लगाए जिसमें 80 लाइट्स है। पूरा कब्रस्तान भी आधी रात के वक्त एकदम पूरा रोशनी से भरा रहता है और मैयत ले जाने लाने के लिए कोई दुश्वारी नहीं होती है। ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि पद्मराव साहब की कोई तारीफ नहीं की जा रही, जस्ट उनका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि वह बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर किसी भेदभाव के माइनॉरिटीज़ का भी वो इसी तरह से साथ देते हैं और उनकी अराजियत का और उनके इबादत गाहों की पूरी हिफाजत में मदद भी करते हैं और आगे बढ़ के उसके इकदाम भी करते हैं। बस आप लोग जो सिकंदराबाद हल्के के नहीं हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, जो पूरे सिकंदराबाद से टी पद्मराव साहब खड़े, चिलकरोड़े के आवाम के अलावा ये पूरे दूसरी आवाम के तक ये मैसेज जाए, इसलिए यह चीज़ बताई जा रही है और हम सब मिलकर उनके आगे के लिए, उनकी तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। शुक्रिया।